गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। सबको गुड मॉर्निंग भाई। गुड मॉर्निंग सर। बहुत लोग गुड मॉर्निंग करने में शर्म लगती है लोग को। ऐसा हो गया मेरे चेहरा उल्टा आ गया। चलिए आज हम लोग लेसन 10 पढ़ेंगे। सुनते रहो लेसन 10। थप रोटी थप दाल। सुनते पहले थप रोटी थप दाल। नाटक है शुरू तो बच्चों के माध्यम से खेला गया है और इस नाटक की कहानी है रोटी जब पकाया जाता है उसमें एक आवाज आती है थप थप की। रोटी आप पकाते हो तो उसमें थप थप की आवाज आती है। इसका लिखा है थप दाल। लेकिन आ गई तो ये आपने इसको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? यस सर पढ़ा है। ऐसी रही है कहानी। कहानी कैसी है ये? ये कहानी बारे बताओ कि कैसी है कहानी? अगर आपने पढ़ा है तो आप बताइए कैसी है भाई, थोड़ा बहुत बताओ। कहानी सुन रहे हो? आप लोग खेल खेल रहे हो, किताबें पढ़ रहे हो, क्या कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सर। तो इसमें लिखा हुआ है पढ़ना भूलने से मैं बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ती है। वह कौन भूल करता है? आवाज बंद करो। भागी भागी कहाँ? कौन लड़का सामने बैठा है बोल रहा है? सामने बैठा क्या तुम यहाँ चिल्ला रहे हो? आप भू भू कर रहा है। कोई आवाज नहीं लगाओगे यहाँ पे? आराम बैठ के तुम पढ़ते जाओ। मैं पढ़ता हूँ आपको सुना रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। यहाँ बच्चे जो खेलते हुए हैं पर्दा खोलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक भागी भागी वहाँ आती है। वहाँ नीमा को पुकारती है। पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 80 लेसन 10। सर खोल नहीं है पढ़ा। लैग नहीं मिला? मिल गया सर। सर पेज नंबर क्या है? अब मीना जो है मीना मुन्नी जो है नीना को बुलाती है घर से आती है और कहती क्या नीना खेत छोड़ के एक सामने एक किनारे पर आ जाती है कि बच्चों के पीछे खेत चलता रहता है। बच्चे अपना खेत देखते रहते हैं लेकिन मुन्नी के बाहर जाता है। नीना नीना सुन। बच्चे ने एक दूसरे बच्ची को बुलाया। बच्चे ने दूसरे बच्ची को बुलाया और कहते क्या पास आते हुए क्या बात है? क्यों क्या बात है मुन्नी? मुन्नी कहती है देख नीना आज मैंने अम्मा से आटा घी दाल चाक चीनी मक्खन सब चीज ले ली है। आज मैंने मम्मी से जो है अपने माता जी से अम्मा जी से ये सब सामान लेकर मैं आई हूँ। कल रोटी का खेल खेलेंगे। चलो रोटी वाला खेल खेलेंगे। रोटी को बनाएंगे खाना कैसे बनाया जाएगा सब देखा जाएगा। हाँ खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को बुला ले और जो बच्चे खेल रहे थे उनको भी बुलाया। ताली बजा कर ताली पीटा और बुलाया अरे चुन्नी सुनो अब इस खेल को खेलते तो बहुत देर हो गई चलो अब रोटी का खेल खेले। कहते जो खेल खेल रहे थे खेलना काफी देर हो गया चलो तो रोटी का खेल खेलते हैं। सब कहते हैं हाँ हाँ ठीक है। हाँ कहा और सब बच्चे जो है इधर आ गए। अच्छा अच्छा चलो मुन्नी कहती है अच्छा चलो हे चुन्नी तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना मुन्नी तुम दोनों से दाल बनवाएंगे
जब इनसे आग तब नहीं गुजरेगी तब मजा आएगा। और इस तरह आप बात करते हैं, चिन्नी चिन्नी कहता है तो क्या समझती हो, मार नहीं जा सकते, चले ठीक हो, आज इन्हें लाल बना धक्का ही देंगे क्यों। बच्चे इस तरह बच्चे भी आ गए, टीकू हाँ हाँ दोस्त देख लेंगे, मुन्नी तो सरला तो क्या करेगी, सरला भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी, मुन्नी और तरला तू सरला मैं तेरे से रोटी बनाऊंगी, मीना ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूँ खूब मजा आएगा तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। और इस तरह सब बच्चों ने अपना अपना पार्ट को ले लिया और सबने अपना अपना कारोबार करना शुरू कर दिया, मट्ठा चलाने भांडी लेकर अपने के साथ हमें करते हैं बच्चे आती है कि गगरी उतारने का और रही भाई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती है। एक बच्चा रोता हुआ माँ के पास आता है, वह उसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठा कर फिर मट्ठा चलाने लगती है, मुन्नी दौड़ कर आती है मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मतलब सब अपने अपने सबको एक रोल मिल गया था काम करने का और सब ने अपना अपना काम शुरू करना शुरू कर दिया। ये एक प्रकार से एक अभिनय है, नाटक खेलने का अभिनय। मुन्नी वाह खूब चलाया मट्ठा, देखो यह मीठा है खट्टा, सरला क्या देखोगी इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद, वहा क्या देखोगी इस मट्ठे की बढ़िया स्वाद होता है जो जो खाता है उसको याद करता है। चिल्लू टिंकू कंधे पर रखे हुए आते हैं, सरला चलो चिल्लू टिंकू आए देखो क्या तरकारी लाए, ये दोनों का काम मिला था चिल्लू और टिंकू की बाजार से जाकर सब्जी लाओ, तो ये दोनों सामान लेकर आ गए। चिल्लू वो जुगाड़ते हो भीड़ रही है जो टिंकू ये लगी करारी भूख, भूख खाते हुए बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। अब ये भी काम उनको मिला था और उन्होंने दाल पकाना शुरू कर दिया। चिल्लू अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकवाए बढ़िया बड़ियों को अभी स्वाद चुखाए। दोनों आग जलाने भूख मारने और धुआं का वजह से आंखों में आंसू पूछने का अभिनय करते हैं, जब आग जलाते हैं तो धुआं निकलती है, धुआं निकलती है तो उसका एक अभिनय है आंखों से आंसू आना और आंख को पूछना। दाल और बड़ी पकाते हैं कलछी से दाल चलाकर चखते हैं उंगली जल जाती है, तो उंगली जल जाती है तो उसका भी अभिनय करते हैं साथ साथ मुन्नी पास आकर इन्हें देखती है। टिंकू कहती है टिंकू ने पकड़ा पकाई बढ़िया, चिल्ली ने पकाई दाल टिंकू को बढ़िया बढ़िया जल गई, चिल्ली को बुरा हाल बढ़िया बढ़िया समझते हो क्या है, एक प्रकार से बरी होती है उसको बरी भी कहा गया है। और ये तर्रा तथा अपने सहयोग की उनसे आती है हाथ में कमर प्रकार रख जैसे हाथ में डलिया हो, हाथ में प्रकार रखा जैसे डलिया हो, आकर बैठ जाती है फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती है। लड़कियां थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार, अब इस तरह बच्चे जो है अपना अभिनय शुरू करते हैं और अपने बड़ी देर तक चलता है। ये पंक्तियां दो बार गाई जाने के बाद चिल्लू ये पंक्तियां जो पंक्तियां यहाँ लिखी है थप रोटी थप दाल खाने वाले हो तैयार, इसको दो बार कहते हैं बच्चे और कहने के बाद और दो बार गाई जाने के बाद चिल्लू और टिंकू के दोस्त एक पंक्ति के पीछे की एक कदम पीछे बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियां की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर दो बार कहते हैं, चिन्नू कहता है लाओ रोटी लाओ दाल लाओ खूब पढ़ाए मान, बच्चे इस तरह चिन्नू कहता है उसकी भूख लगी थी सामान लेकर बाहर से आया था बाजार से उसकी दाल भी बनाई, दाल तो बन गई पक गई सब कुछ हो गई, लेकिन एक प्रकार से ये अभिनय कर रहा है लाओ रोटी लाओ दाल लाओ खूब पढ़ाए मान। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलिया उठाने का अभिनय करती है, वही एक पंक्ति के लड़कों के पास आकर अपने रोटी देने का अंदाज में दो बार कहती है ले लो रोटी ले लो दाल चक्कर हमें बताओ हाल, और बेसरा बच्चे कहते हैं ले लो रोटी ले लो दाल
चक्कर हमें बताओ हार चिमुआ चिढ़ाकर खट्टा। और जैसे मुन्नी गुस्से से उठती और दिखती है तो कहते हैं नहीं नहीं मीठा खट्टा नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा खट्टा मीठा कुछ होता है। और इसलिए बच्चे आपस में अभिनय करते हैं और दाल की मट्ठे की सब्जी की जो भी जो चीज इन्होंने बनाई थी उसका बड़ा बढ़िया अभिनय किया इन लोगों ने। सब बच्चे आधे खाए आधे रखे अब सो जाए उतर चखे। सब बच्चे सो जाते हैं। खाने के पश्चात जो है ये अभिनय जो था चल रहा था खाने के पश्चात सब बच्चों ने क्या किया सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की ब्याव सुन पड़ती है बिल्ली का प्रवेश। उसी वक्त बिल्ली घर के अंदर होती है बच्चा बड़ी खुशी होकर कहती है बिल्ली कहती है ओह मक्खन कितना सारा झट से चल कर जरूर किनारा। बिल्ली आगे बढ़कर ऊपर उछलती है छींक पर से कुछ चीजें नीचे करने पड़ती है। बिल्ली ऊपर होती है तो जो मक्खन है वो नीचे की हाय छींके पर या क्या रखा कान रहे क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालती है निकालती है और बिल्ली क्या करती है फिर वो जो टला हुआ था ये छाछ कहते हैं मतलब छाछ तो मक्खन में चुके हैं लेकिन जो छींक मतलब जो ऊपर टला हुआ था छींके तो उसमें से बिल्ली जो है करती है रोटी निकालती है। रोटी कैसे गर्म गर्म है घी से चुन्नी गर्म गर्म है खाते हुए मक्खन रोटी चावल दाल घी भर खाया कितना माल। और देखो मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे अब चुपके से सब कुछ खाओ असलियों को आलसियों को सब कुछ खाओ म्याओ 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 म्याओ। और इस तरह बिल्ली जो है खाना को छट कर जाती है खा लेती है। बिल्ली जाती है लड़ाई लेकर सुबह उठती है और मक्खन की रोटी खाई दीप पर आचर चिल्लाती पड़ती है। अब सरला उठती है देखती है वहां पर न तो रोटी है न वहां मक्खन है नहीं दे रहा। सरला कहती है अरे ओरे चिन्नू टिंकू भाई कहां है मक्खन कहां आलू बनाई। फिर क्या होता है मिनी चौक पर रोटी हुई अरे जरा छींके तक जाना और रोटी को पता लगाना हाय रे न रोटी न दूध बनाई लगता है बिल्ली ने खाई। अब वो अभिनय करती है मुन्नी कहती है कि न तो वहाँ रोटी है न तो वहाँ दाल है न वहाँ दूध है न वहाँ मलाई है सब बिल्ली ने खा लिया है। एक बच्चा बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई बात कहा। एक बच्चा आता है वो इस बात के लिए कहता है कि बिल्ली आई थी आधी रात को और उसने सब कुछ खा पी लिया है खाली रोटी खाली भात। दूसरा बच्चा क्या कहा बिल्ली आई आधी रात खा गई रोटी खा गई भात किंतु चलो बिल्ली को ढूंढ बचाए चारों चोरी का मजा चखाए। अब सब लोग बिल्ली को ढूंढने लगे सब बच्चे सब मिलकर बिल्ली ढूंढे जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर आते हैं बाहर आते हैं सामने को देखते हैं कभी बैठ गए नीचे झुक कर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव पकड़ करते हुए जाते हैं कभी तरला सरला चीख कर देखते हैं यह लो मिल गई बिल्ली मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई आ जाती है सब उसे पकड़ते हैं और उस तरह वो बिल्ली को पकड़ लिया जाता है और वो घबरा जाती है। सब कोनो पिटाई उसकी जोर हंस कर मारने का अभिनय करते हुए बोल अब खाएगी मेरी रोटी अब खाएगी मेरी दाल बिल्ली हाँ खाऊंगी सौ बार सब सौ बार। जो सो गए टांग टांग पसार बिल्ली ने कहा मैं हजारों बार सौ बार खाऊंगी अब आप लोग सो जाओगे तो मैं खाऊंगी मेरा काम यही है। और इस तरह ये अभिनय पूरा चलता रहता है अभिनय के किनारा आ गया एकदम से। और फिर क्या कहते हैं बिल्ली भाग गई अभिनय करती है तो बच्चे उसे खेल लेते हैं तीन चार बार ऐसा करने के बाद बिल्ली गेंद छोड़ घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे टुकड़ों पर शुरू हो जाते हुए इसके पीछे भागते हैं पता चलता है। और इस तरह ये कहानी जो है बड़ा अच्छा लगा और आई थिंक सो यू आप लोग उसको फिर एक बार पढ़ोगे पढ़ोगे कि नहीं पढ़ोगे
हेलो पढ़े सर। हाँ एक बार पढ़े हाँ एक बार इसको आप पढ़िएगा। हाँ ये पढ़ेंगे पढ़ेंगे आपको बड़ा अच्छा लगा। और ये कहानी एक बार फिर जो है आपको पढ़िएगा और इसका जो है अगर अभिनय करना होगा तो आप लोग अभिनय करके इस पार्ट को आपको बड़ा आनंद मिलेगा। यस सर। आपके घर में बिल्ली आती होगी और कैसे बढ़िया प्यार से आपके खाने को चेक कर जाती होगी। ये बहुत सुंदर नाटक है जिसको आप लोग अगर करेंगे तो मजा आएगा। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कम से कम 7-8 बच्चे 10 बच्चे कम से कम कर दो 10 बच्चे। मैम हमने बिल्ली पाली है। अरे बिल्ली पाली है तो खिलाती होगी बिल्ली पाली तो बड़ी सुंदर बात है। खाना वाला चट करती है नहीं करती और बच्चा कह रहा भाई आ जाती है खाना वाला खाती है नहीं खाती। हेलो नहीं बच्चों बताओ खाना वाला चट करती है कि नहीं करती आपका। चलिए ठीक कोई बात नहीं लेकिन अगर कोई बच्चे 2-4-10 बच्चे मिल जाए तो एक अभिनय करिएगा आप लोग तो अभिनय करने से आपको इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होगी। आपको थोड़ा थोड़ा पार्ट दे दीजिएगा सब अपने पार्ट को भाई को करेंगे और अभिनय करेंगे तो बड़ा आनंद मिलेगा और देखने में बड़ा सुंदर लगता है। तो आज मैं आज आपका खाली इतना ही काम करूंगा। मैंने आपके लिए थप का मतलब क्या हुआ आपने देखा होगा जब रोटी पकाते हैं तो थप थप की आवाज आती कि नहीं आती है ऐसे हाथों से। सर हमारी मम्मी बनाती है। अरे मम्मी तो बनाते कभी आप लोग भी बनाया करो ना मम्मी तो काम आई बेचारी वो तो करेगी सीखो मिला है आपको। यस यू हैव मैम सर हमसे गोल नहीं बनती टेढ़ी मेढ़ी बनती। अरे मेरा मतलब ये नहीं है कुछ भी बने एक्स वाई जेड ऐसे तो मुझसे सर्कल नहीं बनती। अरे मेरी बात सुनो बोले अरे मैं आपसे बताऊँ मैं भी रोटी बना रहा था तो मुझसे बनता नहीं था लेकिन मैंने किसी से सीखा है। मैं करके भी जब रहता था तो रोटी बनाना मुझे नहीं आता था तो मैंने किसी एक आदमी से कहा भैया मुझे मास्टर साहब रोटी कैसे बनाते हो। अरे मैंने कहा यार जैसे बनती बना दिया उन्होंने कहा ऐसा नहीं गोला गोला बनाओ। तो फिर मैंने गोला गोला बनाना सीखा उन्हीं से 2-3 दिन उन्होंने हमको आपको सिखाया फिर मैंने धीरे धीरे सीख लिया। तो कहने का मतलब ये आपको सीखना है देखो जब बड़ा बने तो उसको रोटी को जितना आप आटा लगा के धीरे धीरे टेढ़ा होकर गोला करते जाओ और हल्के हल्के गोला करोगे तो आटे में टूट जाएगा। हां मैं ऐसे बना लेती हूं। अच्छा मेरे पापा बना लेते हैं। हां इसी तरह कह रहा हूं और क्या मुझे प्रैक्टिस थोड़ी है। हां ये चाय बना लेते हैं। वेरी गुड थैंक यू। सब बच्चे को मुबारकबाद मुबारकबाद दे रहा हूं। और सुनो दाल बना लेते हो कि नहीं बच्चों दाल बनाते हो नहीं यार। दाल बनाना देखो बता तो रहा हूँ दाल बनाना बहुत सरल है। दाल जो है आप क्या करेंगे पहले कंकड़ धुल दो पहले एक बार साफ कर दो कंकड़ों को जब साफ हो जाए तो सीधा उसको क्या करो धो दो थोड़ा दाल का कचरे कचरे जो हो छोड़े मोड़े वो सब फेंक जाए और फिर दाल को एक कटोरी में नाप लो इतना दाल मुझे डालना है छोटी सी कटोरी में कम से कम 200 ग्राम या 100 ग्राम जो भी आप एक्सपेरिमेंट खाते हो एक कटोरी बना लो उसी कटोरी में नाप लिया करो दाल भर दो। हाँ तो मैं वही कह रहा हूँ
अब फिर उसको जो है सर मैं कभी कभी मम्मी की अपनी हेल्प कर देती हूँ। वेरी गुड वेरी गुड, मम्मी से भी सीखो ना। तो दाल जब तक तो उसके बाद उसको जो है पानी में मैं रोटी बना लेती हूँ। चलिए ठीक है, मैं पराठे ही बना लेती। अच्छा फिर हम आपसे बात करेंगे बाद में, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसी तरह सीखो, बगैर सीखे कोई काम नहीं होता बेटा। हर चार अब मुझे थोड़ी मालूम है दाल बनाना, ये मैं भी दाल बना लेता हूँ, यही बात है, सब्जी बना लेता हूँ। सर अभी हमारी मम्मी बनवाती नहीं है हमसे गैस के लिए। ये बात नहीं कह रहा हूँ, मम्मी तो बनवाएगी नहीं, वो तो हमें मालूम है, लेकिन आपको ट्राई करने में क्या रखा है, मम्मी थोड़ा सा सिखा दो, थोड़ा एक चीज हफ्ते में एक दिन एक चीज सीखो, ऑटोमेटिक सब मालूम हो जाएगा, सब चीज आपको मालूम हो जाएगी। ओके तो फिर आपकी कहानी आप तक हो गई, और दाल बनाना सीख जाओ, चावल बनाना सीख जाओ, चावल में तो और इजी है, कंकड़ उंकड़ बिना भट्टे से धोया धाया उसको डाल दिया तो मान मुश्किल से 5 मिनट 10 मिनट में चावल चावल बनके तैयार, चावल तो इतना इजी है। तो दाल भी इसी तरह है, दाल को धो के जब आप डालोगे तो उसमें 100 ग्राम डाला तो उसमें 200 ग्राम पानी डाल दो, 100 ग्राम दाल 200 ग्राम पानी, आप उसमें नमक डाल दिया, मसाला डाल दिया, बस दाल रख दिया, ऑटोमेटिक मुश्किल से 20 मिनट दाल तैयार हो जाएगी। ओके तो आज की कहानी आपकी दाल चावल बन के तैयार हो गया, रोटी बना लेना। हाँ बेटा सर क्वेश्चन आंसर भी। अरे अभी क्वेश्चन अभी तो दाल चावल बनाना सीख रहे हो, अभी तो क्वेश्चन आंसर बनाना सीख रहे हो। मेरा वो दूसरा वाला हो जाएगा क्वेश्चन आंसर। सर वो मैं हमारे यहाँ गणेश जी बैठे हैं। कौन सर? हाथी गणेश जी बैठे हैं। हमनी कौन बैठा है? हमनी अंजलि कौन बैठा है? बेटा चलो ठीक है, हाथी गणेश जी बैठे। चलो इस तरह भी अब आप लोग सब कुछ बनाना सीख जाओगे तो हम भी किसी दिन आएंगे अपने यहाँ खाने के लिए। मैं आई कम मैं आ सकता हूँ आपके घर में खाने के लिए? यस सर बिल्कुल। ओके ओके थैंक यू वेरी वेरी थैंक्स, वेरी वेरी थैंक्स। यस सर ठीक खाना बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया, बच्चे हमारे खूब बड़े हो। यस ओके बाय बाय। बाय सर बाय सर बाय सर बाय 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 सर बाय सर बाय सर ओके।